आज मैं इस वीडियो में जो बात कहने वाला हूँ वो बहुत सारे टीचर्स को शायद बुरी लगेगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा बुरी लगने वाली है। आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो एएलपी की वैकेंसी है वो जो नहीं बढ़ रही, उसके पीछे का कारण, उसका दोषी कौन है, क्या यह टीचर्स की मिलीभगत है, क्या यह बच्चों की गलती है, क्या रेलवे सिस्टम की गलती है, ये किसकी गलती है। उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ 3,000 करोड़, 10,000 करोड़ की। उसके अलावा रेलवे स्टूडेंट्स की जो मीटिंग में मांग रखी गई थी वो क्या थी, और वहां से रेलवे ने जो उसका रिप्लाई दिया है, जो मीटिंग के जो आंसर है वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आजकल हर बच्चे के दिमाग में दौड़ रहा है, टीचर्स आ रहे हैं सिर्फ कोर्स बेचने के लिए आते हैं, और जो चीज बच्चों के दिमाग में भी चल रही है कि ये टीचर्स की मिलीभगत है, टीचर्स की वजह से वैकेंसी नहीं इंक्रीज हो पाई। तो मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो शायद बहुत सारे लोगों को चुभ सकते हैं, परंतु वो मुझे कहनी पड़ेगी। हाँ, जो कुछ समझदार बच्चे और समझदार टीचर होंगे वो बात समझ पाएंगे, तो मुझे पता है कि कुछ लोग उसे समझ पाए। आप बच्चों, एक छोटी सी बात का मुझे एक जवाब चाहिए आप सभी से, कमेंट बॉक्स में भी। और मुझे लगता है कि आज आप वो छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, आप एक समझदार बच्चे हो चुके जो इस बात को समझ सकते हो। आप एक बात बताइए, आज अगर 5,000 ही एएलपी में वैकेंसी निकलती है तो कहीं ना कहीं कितनी कम वैकेंसी, उतने कम फॉर्म भरे जाएंगे। मान लीजिए 30 लाख ही फॉर्म भरे गए। वहीं दूसरी तरफ अगर वैकेंसी 1 लाख निकलते हैं तो फॉर्म भरे जाएंगे, जो फॉर्म फिलअप जो होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, फॉर्म फिलअप भी बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं 1 करोड़ तक बच्चा फॉर्म रेलवे में भर देता है। पिछली बार भी देखा गया था 1 करोड़ तक फॉर्म भर दिए गए थे। अब आप जब तैयारी कर रहे होते हो तो आप किसी एक जगह से कभी भी तैयारी नहीं करते। आप क्या करते हो, 1,000 का बैच यहां से ले लिया, 1,000 का कहीं और से ले लिया, 1,000 का कहीं और से ले लिया, 5-7 हज़ार की आप ऑफलाइन कोचिंग भी लगाते हो। हर एक बच्चे की ये वो होती है, हर जगह से वो कहीं एक से पढ़ ही नहीं रहा होता, और कहीं ना कहीं ओवरऑल 10-1 हज़ार ये मिनिमम है, नहीं तो रहने वहने का खर्चा। कोई कोई बच्चा तो पूरा रहने वहने के साथ तैयारी करता है, पटना रह रहा है, इलाहाबाद रह रहा है, कहीं पर भी रह के तैयारी कर रहा है, लाखों में पहुंच जाता है खर्चा। पर मैं मिनिमम खर्चा लगाता हूँ जो एक टीचर के पास घूम फिर के वो पैसा बच्चे का आ रहा होता है, किसी एक के पास नहीं, सभी के पास मिलकर। तो अगर 10,000 रुपए के हिसाब से एक बच्चे का खर्चा है और 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा 3,000 करोड़ रुपए जो है वो आता है बच्चों से इकट्ठा, और वो कहीं ना कहीं टीचरों में बट रहा होता है। बट अगर वहीं दूसरी तरफ 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो 1 करोड़ वैकेंसी, 1 करोड़ गुणा में 10,000 यानी 10,000 करोड़ रुपए। तो आप एक बात खुद समझिए, जहां पर 3,000 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ आते हुए किसे बुरे लगेंगे। तो भाई साफ सीधी बात है, ज्यादा वैकेंसी होंगी तो ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और टीचर्स को ज्यादा उसमें फायदा ही होगा। तो टीचर्स आपसे ज्यादा चाहेंगे कि वैकेंसी बढ़कर ही आए। अब मुद्दा क्या है, आप ये सोच में लग जाओगे यार इसका मतलब तो टीचर लालची है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आज आप, मैं, कोई भी, चाहे आपके माता पिता, मेरे माता पिता, इस धरती पर हर व्यक्ति इसीलिए मेहनत कर रहा है कि वो कुछ पैसा कमा पाए, वो चाहे थोड़ा हो ज्यादा हो, पर वो अपनी मेहनत कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि वो कुछ कमा पाए। क्या आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आज मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने कहीं ना कहीं इतनी चीजें कर ली हैं कि आज मैं बिल्कुल फ्री जीवन में सब कुछ करने लग जाऊं तो भी मेरा जीवन चल जाएगा। और मैं आज आपसे ये बात कह दूं कि बच्चों आज से मैं समाज सेवा करूंगा और यूट्यूब पर जिंदगी भर फ्री पढ़ाऊंगा और हर बच्चों को फ्री पढ़ाता रहूंगा, परंतु मैं जब कमाऊंगा नहीं तो पीछे टेक्निकल टीम को नहीं दे पाऊंगा। तो मैं कहूं आपसे कि बच्चों मैं फ्री पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप में से जो भी देशभक्त हैं सारे बच्चे, एक बार आप अपने घर समाज को छोड़कर आ जाइए, आप जो तैयारी कर रहे हो इसे छोड़कर आइए और आप यहां पर मेरे पास आइए। मेरे पास है तो कुछ नहीं देने को क्योंकि मैं फ्री में कर रहा हूं सब कुछ, तो आप मेरे साथ इस समाज सेवा में जुड़े। हाँ, मैं आपको 2,000 रुपए दे पाऊंगा। क्या आप में से कोई भी बच्चा मेरे पास आएगा, जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उससे कल को आपको 40-50 हज़ार रुपए मिलेंगे, इसीलिए तो कर रहे हो, क्या आप उस तैयारी को छोड़कर इस 2,000 रुपए के, मतलब कि आप 2,000 रुपए से जो समाज सेवा करने वाले हो, 2,000 रुपए मिल रहे हो, समाज सेवा भी करनी है, क्या आओगे? आप कभी नहीं आ सकते। तो क्या आप बुरे व्यक्ति होगे? नहीं, आप मेहनत ही इसलिए कर रहे हो कि आप कुछ कमाओ। वो कमाई किस लिए? जिससे आप अपने मम्मी पापा को खुश रख सको। हमारे माता पिता ने क्यों कमाया? कि जिससे वो हमारा जीवन बना पाए। तो हर व्यक्ति कमाना ही चाहता है, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं है जो, आप अगर ये सोचिए, जैसे नेता कह देते हैं कि हमें सीट का कोई लालच नहीं है, हम तो समाज सेवा करना चाहते हैं, परंतु इन द एंड कभी भी किसी भी नेता को देखोगे तो 4-5 साल बाद उसका लालच सीट होता है, कुर्सी होता है। इसी तरह से हर व्यक्ति इस लालच से, बस ये कि कुछ, कोई बस एक
छोटे लालच से और ईमानदार व्यक्ति के तौर पे चलता है, कुछ बड़े लालच के साथ, ज्यादा बेईमानी के साथ चलता है, परंतु पैसा हर किसी की नीड है। इसी तरह से चाहे वो टीचर हो, कहेगी हम तो आप समाज सेवा कर रहे हैं, पर इन द एंड आज एक साल वो फ्री पढ़ाएंगे, अगले साल से उनको पैसों की नीड पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो लालची हैं, क्योंकि यार टीचर मैक्सिमम गरीब परिवार से आते हैं, आपके ही बीच में से एक बच्चा जो मेहनती होता है, जिसको घर की जिम्मेवारियां जल्दी संभालनी पड़ जाती हैं, वो टीचर बन जाता है। जिसके घर में ज्यादा दिक्कत है वो जल्दी टीचर बनता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता कि बहुत लंबी तैयारी कर पाए, उसके घर में इतनी सारी परेशानियां होती है कि नहीं होता उस पर पैसा कि वो लंबे टाइम तक तैयारी कर पाए, तो वो टीचर वाली फील्ड में आ जाता है। और कुछ उसके अंदर हुनर होता है और वो इस फील्ड में, कोई भी करोड़पति अंबानी टाटा बिरला आपको टीचर नहीं पाएगा। तो आपकी एक बात जो दिमाग में ये है कि टीचर की मिली भगत है, टीचर का सबसे फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि वैकेंसी बढ़े। अब उन्होंने पूरी कोशिश भी करी और करते भी रहेंगे, तो टीचर्स का हमेशा पहला पॉइंट रहता है कि वैकेंसी इंक्रीज होकर ही आए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा टीचर का ही फायदा होता है। दूसरी चीज, बहुत सारे टीचर्स जो ऐसे टीचर है, कुछ टीचरों ने तो अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, उनके चीजें अच्छी हो गई है, परंतु कुछ टीचर जो नए टीचर हैं, जो हाल फिलहाल में अभी अपनी चीजों को बढ़ा रहे हैं, जो पांच पांच साल से सोच रहे हैं यार वैकेंसी आएगी तो रेलवे में कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे बच्चे पढ़ाएंगे, ज्यादा बच्चे, घर में इतनी दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि भूख सबको लगती है और सबका पेट है, तो ज्यादा बच्चे आएंगे पढ़ाएंगे, परंतु वो वैकेंसी ना आने के कारण पांच साल से वह भी, तो बच्चे के साथ दिक्कत है ठीक है, पर वो पांच साल से वो भी सफर कर रहे हैं, कल आएगी, हर रोज नोटिफिकेशन बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं यार अब आने वाली है 1,00,000 वैकेंसी आएगी, तो दुख टीचरों को भी उतना ही है। अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, तो क्या ये बच्चों की गलती है कि बच्चों ने कुछ ऐसी चीजें कर दी है क्या? तो भैया देखो, सबसे बड़ी चीज अगर यहां पर किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो बच्चे ही हैं। बहुत मतलब इतना गलत यहां ना तो टीचर के साथ कोई ऐसा गलत हुआ, बस मैंने टीचर का एक पॉइंट आपके सामने जरूर रखा है, परंतु सच्चाई जो है गलत जिसके साथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है बच्चे। 5-6 साल से इंतजार करना और उस उम्र पे इंतजार करना जिस उम्र पे उनको शादी करनी है, घर वालों के ताने तो बचकर उनके लिए कुछ अच्छा करना है, समाज में इज्जत कमानी है, और उस समय उसका वो 6 साल खराब हो जाना, बहुत ज्यादा उसी को पता है कि उसको इंटरनली कितना पेन है, कितना दुख है कि किसी शादी में नहीं जा रहा, वो एक कमरे में किसी से मिल नहीं रहा और उसे कमरे में बैठा रहता है सिर्फ बुके और किताबों के साथ, और उन किताबों को पढ़ने के बावजूद उसे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, जिसको बचपन से ये सिखाया गया था बच्चे पढ़ ले तो तेरा जीवन बन जाएगा। तो उस बच्चे का जो दुख है वो बच्चा ही समझ सकता है, कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। हाँ, अगर उस बच्चे के बाद उस दुख को कोई समझ सकता है तो उसके माता पिता, उसके आस पड़ोस के लोग भी इतना नहीं समझ सकते जितना एक अध्यापक समझ सकता है, क्योंकि हर टीचर कहीं ना कहीं आप में से ही एक है। पहले उनके साथ भी वही वाली जो आप जो आज कर रहे हो वो चीजें उन्होंने भी करी है, उन्होंने भी पढ़ाई करी है। कोई भी करोड़पति घर से, कोई भी रेलवे या SSC की तैयारी नहीं कर रहा होता, एक मिडल से भी नीचे परिवार वाले जो होते हैं वही तैयारी कर रहे होते हैं, वही बच्चे हमेशा तैयारी करते हैं। तो हर किसी की एक जर्नी रहती है, जो आपकी जर्नी है वो कभी हम सब टीचरों की भी रही होगी। तो जो आपको दुख है सबसे पहले आप समझोगे, और उसके बाद अगर कोई समझ सकता है तो वो सारे अध्यापक ही समझ सकते हैं। तो फिर गलती किसकी है और क्या रेलवे सिस्टम की गलती है और क्या क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो क्या रेलवे सिस्टम की ये गलती है? तो बच्चों देखिए हो क्या रहा है, जो ऊपर पद पे बैठे हुए हैं, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उनके पास मैं क्यों, देखो आप क्या है कि आपको लगता है यार मिनिस्टर साहब रेलवे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, पर हर व्यक्ति के पास बहुत सारे काम है। आपके आस पड़ोस में भी कोई नेता रहता हो, छोटा छात्र नेता भी, तो उस पर हर कोई यार भाई ये काम करा दे वो करा दे, तो जब बड़े पद पे पहुंच जाते हैं उतनी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, तो वो उतना ही कर, उन्हें शायद नीचे वाली चीजों का पता ही नहीं है, वो बस उतना ही बयान दे रहे हैं जितना उन्हें बताया जा रहा है कि सर हमने अगले साल इतनी वैकेंसी दे दी है, तो वो आगे वो बात बोल देते हैं, उन पे टाइम नहीं कि वो रीचेक कर पाए। तो नीचे जो सिस्टम है, ऊपर वाले, मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाला हमेशा ना जब इस ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो वो चाहता है यार मेरे ऊपर एक दाग ना लगे, तो शायद ऊपर वाले की इतनी कमी नहीं, जो नीचे वाला जो सिस्टम है जिसने ये दिखाया इतने वैकेंसी नहीं, क्योंकि उस दिन पहले एक लेटर गया था कि भाई ये चेक करके बताओ कहाँ कहाँ कितने कितने पद खाली हैं, तो वहां से पूरी तरह से चीजों को चेक करके आगे नहीं बताया गया, और जिस वजह से ये एक लूप होल रहा है, और इस वजह से आगे पता ही नहीं लग पाया कि टोटल इतने आज के टाइम पे खाली पद है, आज इतनी वैकेंसी होनी चाहिए और बच्चों को देनी चाहिए। एक बहुत बड़ा लूप होल है जो यहाँ पर रह गया है। अब अगर देखा जाए तो क्या बातें रही, रेलवे स्टूडेंट्स की मांग क्या थी, क्या रखी सभी टीचरों ने वहां पर, जो मांग रखी वो क्या रखी थी। ALP वैकेंसी को बढ़ाने के संबंध में सबसे पहले तो यही भाई मेन मोटिव था, मेन पॉइंट था, यदि ALP वैकेंसी हर साल आएंगी तो उसका ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो। भाई अगर आप कहते हो हर साल आए तो ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो। रेलवे टेक्नीशियन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में
ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन का, जो जैसे कि एलपी की आई है, टेक्नीशियन की तो कोई आई नहीं है, ठीक है। कोरोना के कारण 3 साल की छूट के संबंध में जैसा कि एसएससी में दिया गया, भाई एसएससी में छूट दी गई है तो आपको भी छूट देनी चाहिए, 3 साल 4 साल, जितना ज्यादा से ज्यादा बन सके। एग्जाम कैलेंडर जारी करने के संबंध में, एग्जाम कैलेंडर जारी करने के संबंध में, क्योंकि देखिए एग्जाम कैलेंडर तो पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, तो सबसे जरूरी है आज आपके लिए, आपके आने वाले भाई बंधुओं के लिए, हर किसी के लिए सबसे जरूरी है, एग्जाम कैलेंडर तय कर देता है। अभी फॉर्म आएंगे, ये होगा वो होगा, तो बच्चा एकदम क्लियर रहता है माइंड से, और उसे कहीं ना कहीं जैसा ही पिछले 6 साल में सिर्फ एक बार मौका मिला है, 6 साल में 6 मौके मिलेंगे, और भी अगर 1 साल में 5-6 वैकेंसी अलग अलग तरीके की, ये जिस तरह से प्लान करते हैं, अगर निकालते हैं सबकी इस तरह से, किस किस तरह से जो भी इनका प्लान है, तो पर कैलेंडर से क्या होता है, बच्चों को पता होता है तब तब ये होने वाला, और वो मेहनत करता रहता है, ठीक है। अगर आप आईटीआई को ऐड कर रहे हैं तो 2 साल पहले, अब आईटीआई वगैरह कहते हैं आप सिर्फ आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं, अब एक दिन में आईटीआई थोड़ी बनकर आ जाती है भैया, समय लगता है, तो 2-1 साल पहले बताएं, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। नहीं आज ये है कि भैया 10वीं पास वालों को ये जॉब मिलेगी, कल मैं कहता हूँ 10वीं नहीं 12वीं वालों को, अबे तब भाई 10वीं वाले एकदम थोड़ी 12वीं का सर्टिफिकेट बनवा देंगे। तो इस पर जो बात रही है वो क्या रही है, आज की टीचर और जीएम स्तर के रेलवे अधिकारियों की बैठक के अनुसार एलपी पदों में फिलहाल वृद्धि नहीं होगी, एलपी आयु सीमा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, अगली सूचनाएं टेक्नीशियन जेई एसएससी पदों के लिए होंगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ईसीआर जीएम मीटिंग विद टीचर समरी, एलपी वैकेंसी विल नॉट इंक्रीज एंड मे बी इंक्रीज इन फ्यूचर, शायद फ्यूचर में बढ़ सकती है, मे बी अभी तो नहीं बढ़ रही है। टेक्नीशियन वैकेंसी विल कम सून सेपरेटली, टेक्नीशियन की वैकेंसी आएंगी बट वो अलग से आएंगी। ग्रुप डी एंड एनटीपीसी वैकेंसी विल कम लेटर, कुछ समय के बाद ग्रुप डी और एनटीपीसी वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। एज रिलैक्सेशन में भी गिवन, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा शायद, इसमें भी मे लिख दिया है। एग्जाम कैलेंडर मे बी रिलीज सून, शायद एग्जाम कैलेंडर भी जल्द ही दिया जाएगा, ये रेलवे ने कहा है। अब मुद्दा क्या है कि देखिए चाहे मीटिंग में क्या रहा, किसकी गलती है किसकी नहीं रही है, सिर्फ एक चीज जो सबसे ज्यादा, एक जना जो सबसे ज्यादा पिस रहा है वो है बच्चे। देखिए आज टीचरों को कोई कुछ कह ले नहीं कह ले, उससे हमारे शरीर में कोई कमी नहीं आ रही, परंतु हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज 6 साल से सफर कर रहे हैं, 6 साल से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है, और आज एक ऐसी परेशानी उनके सर पर आ गई है, वो समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या करें। तो आज के टाइम पर अगर कोई परेशान है, जो सच में परेशान है, जो मुझे इंटरनली लगता है क्योंकि मैं उस जर्नी को जी चुका हूं, मैंने वो वाला फेस देखा है कि किस तरह से घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी हमारे ऊपर किस तरह से सोचते हैं, हमारा हर एक रिश्ता एक जॉब पर, एक कुछ मतलब एक जॉब पर निर्भर हो जाते हैं, हर रिश्ता हमारे, किसी को कोई हमारे को आज कह रहा है कि अरे ये तो फलाना कुछ नहीं कर पाया, और कल को जॉब लग जाती है तो जैसे ही जॉब लगती है हर कोई कहता है तो अपना भाई था, मैं पता था कर लेगा, तो और फलाने ने कर लिया, ढिकाने ने कर लिया, बहुत सारी 100 बातें हैं जो हर रोज बच्चे को परेशान कर रही होती है। तो वो जो बच्चा है वो जिस तरह से परेशान है वो बच्चा ही समझ सकता है। और इस चीज के लिए अगर मैं देखूं तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करूंगा रेलवे जो भी बड़े अधिकारी हैं कि आप इस बार प्लीज वैकेंसी बढ़ाकर कर दीजिए, अगली बार से आप एक कैलेंडर जारी कर दीजिए, बच्चा मानसिक रूप से तैयार रहेगा कि हाँ यार इन्होंने पहले ही कह दिया था, पर इस बार 6 साल का एक गैप है, आप कुछ पद बढ़ाकर एक अच्छी सी वैकेंसी इंक्रीज कर एक अच्छा सा नोटिफिकेशन निकालिए, क्योंकि आप समझिए कि आपके भी आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा हो उसके साथ बैठिए, आप उसकी व्यथा समझ पाओगे कमरे में बैठा बैठा वो कैसे मानसिक रूप से परेशान रहता है, भाई तक की शादियों में, रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जा रहा, सारी दुनिया जा रही है, वो कौन कौन सी चीज त्याग करता है, उसके बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो उसके हाथ में सिर्फ दुख रह जाता है। तो ये बहुत एक ऐसी मतलब चीज है जिसको मतलब हम बयां भी नहीं कर सकते शब्दों में, एक ऐसा दुख है जो सिर्फ बच्चे के यहां पर है। आज आप अपनी तरफ से थोड़ा अगर थोड़ा सोचकर बच्चों के लिए और कुछ अच्छा करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, आप उस पद पे हो, और आपसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप उस पद पे हो, हम होते तो हम शायद हम सोचते हमसे बोला जाता, आप आज वहां पर हो तो आपसे बोला जा रहा है, और यही चीजें होती हैं जो आपको अमर कर सकती है। तो आप कुछ ऐसा करिए बच्चों के लिए कि जिससे कि बहुत सारे बच्चे आपका कहेंगे भाई वो वाले रेलवे मिनिस्टर जी आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया था, उसके बाद आगे जाके कैलेंडर दे दीजिए कि भाई आगे से यही आएंगी। तो मैं फिर इतना कहूंगा, और बच्चों से तो मैं बस यही कहूंगा कि बच्चों देखिए गलती किसकी है पता नहीं, परंतु आपके साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, इसके लिए सभी की तरफ से मैं मतलब क्या कहूँ, माफी मांग सकते हैं, पर दिल में तो आप जितने परेशान हो उतने ही हम भी हैं। इस समय मुद्दा ये नहीं है कि आप सोचो कि पैसे कम ये वो एक अलग लॉजिक हो जाता है, वो
जीवन जीने का एक शैली है, बट उसके अलावा मुझे पता है एक बच्चा क्या फील कर सकता है। मेरे भी घर में बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बच्चे तैयारी करना चाहते थे, ALP के ही जॉब, रेलवे में लगना चाहते थे, उन बच्चों से भी मैंने बात करी, हर किसी की मुझे पता है कि बच्चा क्या सोच रहा है इस समय। तो बस बच्चों आपके साथ हैं आप, अब देखते हैं अभी क्या रहता है, कैसे कितने आगे किसी नोटिफिकेशन में शायद वैकेंसी बढ़ा कर दें। बस मैं अपनी बात यहीं पर आज खत्म करना चाहूंगा, और किसी को अगर बात बुरी भी लगी होगी तो माफी चाहूंगा, किसी को ठीक लगी हो, पर जो मेरे दिल में था वो मैंने यहाँ पर कह दिया है। और बस जय हिंद जय भारत सभी को।